हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम क्लास ट्वेल्थ दोस्तों आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का दोस्तों 5 नंबर चैप्टर दोस्तों पृष्ठ रसायन दोस्तों सरफेस केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करूंगा। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में समझिए 108 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। इस चैप्टर से जितने भी बोर्ड एग्जाम में दोस्तों ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, इसमें से एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बाहर नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों मैंने नींबू की तरह निचोड़ करके दोस्तों इस चैप्टर को दोस्तों मैंने पढ़ा और उसी से ऑब्जेक्टिव दोस्तों कवर किया है। तो वीडियो में लास्ट तक बनाना, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को यार सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको ऑल सब्जेक्ट की साथ में दोस्तों आप लोगों को प्लेलिस्ट साथ में आप लोगों को पीडीएफ वगैरह भी दे रहे हैं। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक नहीं तो कम से कम आधा देखिएगा, बिल्कुल आप लोगों को पता चल जाएंगे कितना इंपॉर्टेंट वीडियो इस वीडियो में कवर किया जा रहा है, कितना इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल सही सही आंसर बताएंगे और बोर्ड एग्जाम में यहाँ से बिल्कुल कई क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो समझ जाइए आप लोगों को इस वीडियो से 10 से 12 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। लास्ट तक यार बने रहना, कुछ स्टूडेंट यही सोचते होंगे यार सही में लड़ेगा कि नहीं, एक बार दोस्तों विश्वास कीजिए, ठीक है ना। और एग्जाम में जाकर के बैठ जाइए, चैप्टर जितना क्वेश्चन है इसमें से एक भी चैप्टर नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप लोग को थोड़ा दोस्तों शुरुआती में लगेगा कि हाँ सर सही बोल रहे, लेकिन आप लोग लास्ट तक बने हो तो पूरा 100% आप लोग को कन्फर्म पता चल जाएंगे ये सब क्वेश्चन है दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए, बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए पृष्ठ रसायन दोस्तों पीडीएफ के लिए इस नंबर पर आप लोग दोस्तों कांटेक्ट कीजिएगा। चलिए पीडीएफ का चक्कर पहले नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को एकदम बिल्कुल गहराई में आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बतलाया जाएगा। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का सभी लोग कमेंट कीजिए। ये देखिए कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, कहा जा रहा है कि टिंडल प्रभाव पाया जाता है। देखो ये क्वेश्चन है एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, तो सभी लोग कमेंट कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सभी स्टूडेंट का मानना है कि सी नंबर ही होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, टिंडल प्रभाव दोस्तों सॉल्व में पाया जाता है, सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए ये सभी दोस्तों क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में पहले से पूछेगा और यही सब क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में छपने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहेंगे तो पूरा पूरा क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो जाएगा। लास्ट नहीं तो 20 तक आप लोग बने रहो तो आप लोग पूरा लास्ट तक देख लोगे, एकदम मजा आ जाएगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया होता है। तो रासायनिक अधिशोषण दोस्तों जो अभिक्रिया होता है कि यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। कहा जा रहा है कि रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया होती है दोस्तों, तो ये कैसी होती है? तो ये आप लोगों का दोस्तों अनुत्क्रमणीय होती है। क्या होती है? अनुत्क्रमणीय, इसीलिए 2 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएंगे। रासायनिक अधिशोषण दोस्तों अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है और दोस्तों भौतिक अधिशोषण पूछेगा तो उत्क्रमणीय होता है। क्या होता है? भौतिक अधिशोषण पूछता है दोस्तों तो ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो जाता है, लेकिन रासायनिक अधिशोषण पूछता है अनुत्क्रमणीय हो जाता है, इसीलिए 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया होती है तो अनुत्क्रमणीय होती है, इसीलिए 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर देखेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन डी स्टूडेंट, तो कहा जा रहा है ना कि दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो आप लोग को पता है दूध दोस्तों, आप लोग का दूध दोस्तों किसका उदाहरण है? बिल्कुल 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 पायस का उदाहरण है, बिल्कुल एकदम ये नंबर सही। देखिए ये क्वेश्चन लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछेंगे, पिछले बार 2 साल पहले 2021 में पूछा हुआ है और इससे पहले कई बारे बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, तो इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन मैंने कवर किया है जो कि नेक्स्ट बोर्ड एग्जाम बिल्कुल पूछे जाएंगे। देखो आने वाला ये सभी दोस्तों क्वेश्चन आने वाला 23 का एग्जाम हो, 24 का एग्जाम हो, 25 का एग्जाम, ये सभी आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम बिल्कुल कह सकते हो रामबाण ये क्वेश्चन साबित होने वाले हैं, ठीक है ना। बिल्कुल ए नंबर वाले स्टूडेंट बिल्कुल तहलका मचाते हैं, दूध निम्नलिखित में से किसका होता है? तो पायस का। चलिए एक एक क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो चुका है, इस चैप्टर को और भी आप लोग को कहीं पर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि इस चैप्टर में पूरा क्लियर कर लिया गया। चलिए रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है? चलिए ये भी क्वेश्चन गेसिंग किए थे और आया भी था, ठीक है ना। रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है? चलिए बिल्कुल बिल्कुल चलिए बिल्कुल डी स्टूडेंट, रासायनिक अधिशोषण में जो होता है कितनी परतें होती है? चलिए बहुत अच्छी बात, एक परत ये रासायनिक अधिशोषण होता है और भौतिक अधिशोषण पूछेगा तो बहुपरतीय होता है, ठीक है ना। इतना याद रखना, रासायनिक अधिशोषण कैसा होता है? एक परतीय होता है। ये दोस्तों 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन, तो आप लोग इसे याद रखना, ठीक है ना। रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होते हैं दोस्तों, तो आप लोग याद रखना एक परतीय होती है। क्या होते हैं? एक परतीय। चलिए ये सब क्वेश्चन दोस्तों लगातार बोर्ड एग्जाम में अपने छाप को बनाए हुए, तो आप लोग को बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। चलिए 5 नंबर में देखेंगे तो ये दोस्तों क्वेश्चन मॉडल पेपर में पूछा गया था दोस्तों, कब का मॉडल पेपर? तो 2021 का मॉडल पेपर में, जो बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट का जारी करता है। चलिए अधिशोषण दोस्तों प्रक्रिया जो होती है कैसी प्रक्रिया होती है? तो ये पृष्ठीय पर होने वाली घटना, इसलिए पृष्ठीय घटना कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल बिल्कुल अधिशोषण की प्रक्रिया पृष्ठीय घटना है। चलिए 2 नंबर वाला स्टूडेंट बिल्कुल तहलका मचा हुआ है, आप लोग ऐसे लास्ट तक बने रहेंगे तो एक एक क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो जाएगा। तो अभी तक हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन को यार सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि हम आपको एग्जाम के लास्ट तक आप लोग को पीडीएफ वगैरह देंगे। चलिए
सिक्स नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है दोस्तों, कि निम्न में से किस में टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। अरे यार टिंडल प्रभाव नहीं पाया जा रहा है, कह रहा है किस में नहीं पाया जाता है, ये 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग कमेंट करते थे इसका राइट आंसर क्यों देंगे। चलिए चलिए बिल्कुल स्टूडेंट बिल्कुल, चलिए ये नंबर बिल्कुल सही हो जाएंगे दोस्तों, चीनी के घोल में वो टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है, बाकी में पाया जाएगा लेकिन चीनी के घोल होगा यार इसमें दोस्तों, जो होता है ना क्या कहते हैं टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। सॉरी यार ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल आप लोगों का सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए देखिए फाइव नंबर सात नंबर क्वेश्चन में देखेंगे तो कह रहा है P2O5 क्या है, एक अच्छा क्या है दोस्तों, आप सोचा गया कि आदि सोचा सब लोग कमेंट कीजिए। चलिए तो आप सोचा होना चाहिए, देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया गया। चलिए बिल्कुल P2O5 क्या है, ठीक है ना। चलिए अति शोषक, चलिए बिल्कुल आप शोषक बिल्कुल बी नंबर हो जाएंगे दोस्तों, क्या है P2O5 दोस्तों क्या है, एक प्रकार का आप शोषक है जो कि बोर्ड एग्जाम में यार पूछा गया, बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएंगे। P2O5 क्या दोस्तों, P2O5 एक प्रकार का आप शोषक है इसलिए बी नंबर सही हो गया। चलिए लास्ट तक बने रहेंगे, 108 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए आठ नंबर क्वेश्चन में कहा जाए कि रक्त पर आवेश पाया जाता है, देखिए ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम कह सकते हो रामबाण क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि रक्त पर आवेश पाया जाता है, तो रक्त पर दोस्तों हमारा जो रक्त है जो कि दोस्तों हीमोग्लोबिन के कारण लाल दिखता है, इस पर दोस्तों जो आवेश का दोस्तों जो होता है वो कैसा होता है, शून्य होता है, धनात्मक होता है कि गैस में द्रव होता है। चलिए सभी स्टूडेंट का कहना है कि बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऋणात्मक होता है, ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल सही, क्योंकि रक्त पर जो आवेश होता है दोस्तों नेगेटिव होता है, नेगेटिव चार्ज का होता है, इसलिए बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्यों देंगे, रक्त पर जो आवेश पाया जाता है ऋणात्मक आवेश पाया जाता है, इसीलिए बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए सब लोग कमेंट करते रहना पहले से आंसर पता हो तो, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों कि स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है, तो स्वर्ण संख्या सबसे कम जिलेटिन की होती है, क्या होती है, सबसे स्वर्ण संख्या कम होती है जो जिलेटिन की होती है, याद रखना आप लोगों को, ये सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए बिल्कुल बिल्कुल ए नंबर बिल्कुल सही है, स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है तो जिलेटिन की, इसलिए ए नंबर सही हो गया। चलिए दस नंबर क्वेश्चन में कहा जाए कि टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, देखिए टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है तो किसके द्वारा, बिल्कुल बिल्कुल वास्तविक गोल के द्वारा, ए नंबर बिल्कुल सही है यार, अगर ए नंबर जो भी स्टूडेंट लगा है उनका बिल्कुल सही उत्तर है, वास्तविक गोल के द्वारा दोस्तों टिंडल प्रभाव प्रदर्शित किया है, सोड यार ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल आप लोग का सही हो जाएंगे, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है किसके द्वारा, तो वास्तविक गोल के द्वारा। चलिए बहुत ही अच्छी बात है यार, देखो PDF के लिए आप लोग चाहते हैं कि PDF कोर्स नहीं खरीदे दोस्तों, तो पर चैप्टर ₹1-₹2 पढ़ जाएंगे, ठीक है ना, ₹2 समझिए, ठीक है ना, पर चैप्टर ₹2 पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत किया जाता है। चलिए देखो इसमें आप लोग को क्या है दोस्तों, एक बार आप लोग जान लीजिए थोड़ा, ठीक है ना, जैसे कि आप लोग दोस्तों ऑल सब्जेक्ट का 151 तो जानवे करते होंगे, एक सब्जेक्ट का ₹30 पड़े, यानी कि दोस्तों 16 चैप्टर फिजिक्स में, 16 जो बात यानी कि ₹2 चैप्टर पढ़ रहे हैं। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर बाकी में आप लोग दोस्तों PDF वगैरह नहीं लेना चाहते हो तो आप लोग यार लास्ट तक बोर्ड एग्जाम मेरे साथ बने रहो, क्वेश्चन ऐसे है लेकिन आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, एकदम बोर्ड एग्जाम में यही सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लीजिएगा। कहा जा रहा है कि भौतिक अधिशोषण में कितनी पार्टी होती है, या भौतिक अधिशोषण की यार बात क्या है, तो भौतिक अधिशोषण में दो या तो अगर अनेक नहीं रहेगा तो दो भी मार सकती हो, ठीक है ना। चलिए चलिए बहुत अच्छी बात है, चलिए अनेक भी कह सकते हैं क्योंकि भौतिक अधिशोषण की बात है दोस्तों, ऐसे रासायनिक अधिशोषण में एक परत होता है तो भौतिक अधिशोषण में दो भी हो सकता है, लेकिन अनेक दिया गया तो यार सी नंबर लगा दो, ठीक है ना, अगर दो नहीं दिया रहेगा तो मार देना यार अनेक, ठीक है ना, लेकिन दिया गया यार अनेक तो मारूंगा सी। चलिए बिल्कुल तहलका मचेगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे डी स्टूडेंट, तो कहा जा रहा है कि किस गैस का अवशोषण दोस्तों चारकोल द्वारा सबसे अधिक होता है, किस गैस का अवशोषण चारकोल द्वारा सबसे अधिक होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कभी कई स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी को बी को लगाए, महा गलती यार, इनसे अमोनिया नहीं हो सकता है, क्योंकि अमोनिया दोस्तों नहीं होगा, क्योंकि किसी गैस का अवशोषण जो चारकोल द्वारा सबसे होता है दोस्तों वो कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है। सोडियम यार ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल आप लोग का सही हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, CO हो जाएंगे, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, ए नंबर बिल्कुल आप लोग का सही है। आप लोग यार ए नंबर ऑप्शन को सेलेक्ट करते जाओ, बिल्कुल तहलका मच जाएगा। चलिए यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन का आधार है यार कि तेल तथा पानी के संयोग से बना कोलाइडी बिलियन क्या कहलाता है, तो तेल तथा पानी के संयोग से बना दोस्तों कोलाइडी बिलियन जो कहलाता है वो दोस्तों हमारा इमल्शन कहलाता है, क्या कहलाता है, इमल्शन कहलाता है, तेल और दोस्तों पानी का दोस्तों मिश्रण है, ठीक है ना, तेल और पानी का मिश्रण हो दोस्तों, प्लस में दोस्तों तेल और पानी का मिश्रण हो तो यह दोस्तों जो मिश्रण जो पूरा कहलाएगा इमल्शन कहलाएगा। सोडियम डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, इमल्शन हो जाएंगे। चलिए
देखेंगे दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन। तो कहा जा रहा है ना कि विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन कहलाता है। तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का दोस्तों जो गमन कहलाता है, बिल्कुल दोस्तों वैद्युत का संचालन कहलाता है। क्या कहलाता है ये दोस्तों क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए एक दोस्तों मॉडल सेट में आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो ये सब क्वेश्चन है दोस्तों बिहार बोर्ड सेलेक्ट करता है, यही सब क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो समझिए इस वीडियो से आप लोगों को 10-12 मार्क्स क्लियर होने वाले हैं। चलिए बिल्कुल अच्छी बात है, डी नंबर वाले स्टूडेंट बिल्कुल तहलका मचा हुआ है, अगर डी नंबर लगा रहे तो बिल्कुल आप लोग का सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन। तो कहा जा रहा है कि अधिशोषण में मुक्त ऊर्जा कहलाती है। तो दोस्तों अधिशोषण में मुक्त ऊर्जा जो कहलाती है वो क्या कहलाती है, मुक्त जो होता है ना अधिशोषण, उसमें मुक्त ऊर्जा क्या कहलाएगी। चलिए बहुत ही अच्छी बात है डियर स्टूडेंट, अधिशोषण ऊर्जा कहलाएगी। क्या कहलाएगी, अधिशोषण ऊर्जा। चलिए बहुत अच्छी बात है डियर स्टूडेंट, आप लोग कमेंट करते हो क्या, आप लोग कमेंट कीजिए क्या हो जाएंगे इसका सही उत्तर। चलिए कुछ स्टूडेंट का कहना है, चलिए 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 डी नहीं होगा, चलिए बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएंगे, अधिशोषण ऊर्जा हो जाएंगे डी। क्या हो जाएंगे, अधिशोषण ऊर्जा, बिल्कुल सी नंबर वाले स्टूडेंट बिल्कुल तहलका मचा हुआ है, लास्ट तक बने रहेंगे बिल्कुल तहलका मच जाएगा। चलिए यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कंपार्टमेंटल एग्जाम में पहुंचा हुआ क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ठोस ठोस समुदाय कौन है। तो ठोस 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 समुदाय कौन दोस्तों कौन सा है। चलिए बहुत ही अच्छा माय डियर, एकदम बिल्कुल आप लोग तहलका मचाए हुए हैं। संश्लेषित जैव ठिकाना कहीं पर आप लोग को भी देखने को मिलेगा, तो सोडियम सी नंबर आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से ठोस ठोस समुदाय कौन है, तो संश्लेषित जैव। चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि साबुन ग्रीस को किसके द्वारा निकालता है। देखो सभी स्टूडेंट माय डियर आप लोग मेरे प्रिय हो, ठीक है ना, वीडियो में यार लास्ट तक बने रहो, जो स्टूडेंट वीडियो में लास्ट तक बने रहे उनके साथ पीडीएफ भी मिलेगा, साथ में दोस्तों क्या होगा ना उनका सारा क्वेश्चन यार क्लियर हो जाएगा। जो पीडीएफ के चक्कर में आ जाएंगे पीडीएफ तो प्राप्त कर लेंगे, लेकिन दोस्तों भाट लग जाता वो कब पढ़ेगा, जब पीडीएफ ले लिया दोस्तों पढ़ने के लिए, जब यहाँ पर पढ़ाया जाए तो यार पीडीएफ की क्या भी जरूरत है, पीडीएफ तब लो जब वीडियो को देख लो। यार ऐसा चक्कर में रहोगे कि यार पीडीएफ ले ले चलते हैं हम वहीं पढ़ लेंगे, तो यार आप समझ लीजिए आप लोग अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। अरे यार आप बुक ले लेते हो तो क्या बुक को अपने पढ़ते हो, कहीं के यहाँ पढ़ने चले जाते हो। उसी प्रकार डियर यहाँ पर आप लोग को पढ़ाया जा रहा है, बुक कहीं दोस्तों नहीं छोड़ा है, बुक कोई नहीं, बुक की तरह निकाला गया ऑब्जेक्टिव, तो आपके पास तो यार बुक है तो आपको वही पीडीएफ समझना चाहिए। मैं कह रहा हूँ डियर मेरा कहने का मतलब आप लोग लास्ट तक बने रहो फिर पीडीएफ की बात करना, ठीक है ना। चलिए साबुन ग्रीस को दोस्तों निकालता है किसके द्वारा, चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, इमार्सलीकरण के द्वारा, बिल्कुल बिल्कुल बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए डियर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि द्रव स्नेह, देखो यार द्रव स्नेह में दोस्तों जब भी आप लोग देखना गोंद हो जाएंगे, ठीक है ना, गोंद हो जाएंगे बिल्कुल द्रव स्नेह। जिलेटिन भी होगा दोस्तों, जिलेटिन देखो आप लोग को क्लियर का जिलेटिन होता है, गोंद जिलेटिन दोस्तों, और क्या होता है याद भूल, गोंद जिलेटिन वगैरह ये सब जो होता है ना दोस्तों वो द्रव स्नेह होता है। क्या होता है दोस्तों, अस्टार्च भी होता है, ये भी दोस्तों आप लोग का वहीं के श्रेणी में आता है, द्रव स्नेह के श्रेणी में। द्रव विरोधी दोस्तों लगभग में नहीं होता है, ठीक है ना, वो दोस्तों बहुत लंबा रहा सल्फाट वगैरह इस प्रकार से होता है, तो द्रव स्नेह दोस्तों बिल्कुल बिना बस ही हो जाएगी। चलिए आप लोग यार चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत अच्छी बात है, घंटी को नहीं प्रेस किया तो दोस्तों अधूरा है, क्योंकि घंटी को प्रेस कर लेंगे तो नोटिफिकेशन आते रहेगा, जिससे दोस्तों टाइम पर आप लोग दोस्तों क्लास कर पाएंगे। तो दोस्तों नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लीजिए, चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आपको पीडीएफ वगैरह यार दे रहे हैं, पीडीएफ की बात नहीं यार आपको बेहतर तैयारी कराना मेरा फर्ज बनता है, तो आप लोग को चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। बहुत ही का दोस्तों किस टाप पर पढ़ा होता है, देखिए ये सब क्वेश्चन आप लोग को दोस्तों यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे, लेकिन यहीं पर आप लोग को मिलेगा, और यहीं सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। कहा जा रहा है कि भौतिक से अधिक शोषण किस ताप पर प्राय होता है। चलिए बहुत अच्छी बात है, भौतिक अधिक शोषण दोस्तों किस ताप पर प्राय होती है। चलिए बहुत अच्छी बात है, निम्न ताप पर होती है, भौतिक अधिक शोषण किस ताप पर होती है, तो निम्न ताप पर, इसलिए नंबर बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए दाब बढ़ाने पर दोस्तों भौतिक अधिक शोषण बढ़ता या घटता है, इंक्रीज करता या डिक्रीज करता है, आप लोग कमेंट करो। दाब बढ़ाएंगे दोस्तों तो भौतिक अधिक शोषण डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा, तो आप लोग यार कमेंट करो, सभी स्टूडेंट बताओ इसका राइट आंसर क्या देंगे। बिल्कुल दोस्तों इंक्रीज करेगा यानी कि बढ़ेगा, दाब बढ़ाने पर दोस्तों भौतिक अधिक शोषण बढ़ता है, यानी कि इंक्रीज कर जाएगा, यानी कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल आप लोग का सही हो जाएंगे, दाब बढ़ाने पर भौतिक अधिक शोषण बढ़ जाता है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन का रहते कहा जा रहा है यार कि भौतिक अधिक शोषण किस आकर्षण बल के कारण होता है। भौतिक अधिक शोषण दोस्तों किस आकर्षण बल के कारण होता है,
आप लोग यार कमेंट करते जाओ क्या हो जाएंगे इसका सही उत्तर। कुछ तो स्टूडेंट दुर्बल दोस्तों लगा, ठीक है ना, दुर्बल आकर्षण पर चलिए देखते हैं। बिल्कुल उनका सही है, ठीक है ना। भौतिक अधिसूचन किस आकर्षण बल के कारण होता है? दुर्बल आकर्षण बल। अगर दोस्तों पूछे अगर आसानी का अधिसूचन तो प्रबल आकर्षण बल। देखो यहाँ से आप लोग को दो मार्क्स के भी क्वेश्चन क्लियर हो जाए यार, तो यही आप लोग को फायदा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज देखने का, ठीक है ना। तो आने वाले समय में आप लोग को दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराते रहेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। आप लोग समझिए एकदम प्रॉपर तैयारी आप लोग का, जितना आप लोग ऑफलाइन है पढ़ते उतना बेहतर ऑनलाइन आप लोग की सुविधा किए हुए, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग ऑनलाइन में देखते हो गए डीआर तो ऑफलाइन में बहुत कम ऑब्जेक्टिव आता है, लेकिन यहाँ पर मैं समझा करके आप लोगों को क्लियर करता हूँ। चलिए बिल्कुल दुर्बल आकर्षण बल के कारण होता है, लेकिन आप लोगों को पूछा गया रासायनिक का अधिसूचन तो प्रबल आकर्षण बल को ध्यान रखना, ठीक है ना, रासायनिक का अधिसूचन के लिए। चलिए बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। चलिए ताप बढ़ने पर भौतिक अधिसूचन का मान क्या होता है? जाहिर सी बात है दोस्तों बढ़ेगा, ताप बढ़ाएंगे जब दोस्तों टेम्परेचर को यार इंक्रीज करेंगे तो दोस्तों जाहिर सी बात है दोस्तों के भौतिक अधिशोषण का मान बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा, सॉरी घटेगा ना यार, ताप बढ़ाएंगे तो भौतिक, देखो यार समझो ताप बढ़ाएंगे दोस्तों तो भौतिक अधिशोषण, ठीक है, भौतिक अधिशोषण दोस्तों दुर्बल आकर्षण बल के कारण है, जुड़े होता है दुर्बल आकर्षण बल के कारण, और ताप बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है भौतिक अधिशोषण घट जाएगा। सॉरी यार ए नंबर बिल्कुल सही होगा, ताप बढ़ाएंगे तो भौतिक अधिशोषण का मान घट जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए ताप बढ़ने पर रासायनिक अधिशोषण का मान, आप देखिए आप तो बिल्कुल इसका सही उत्तर बता देंगे कि बढ़ेगा सर जी, क्योंकि दोस्तों रासायनिक अधिशोषण होता है वो प्रबल आकर्षण बल के कारण जुड़ा होता है, और इसमें दोस्तों टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात इसमें दोस्तों अधिशोषण का जो मान होगा वो बिल्कुल बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर देगा। चलिए कौन कौन स्टूडेंट लगा रहे हैं बी नंबर ऑप्शन बताइए हम लोग को भी। चलिए सभी स्टूडेंट को कई दिनों से इस वीडियो का दोस्तों इंतजार था, मैंने भी देखा यार आप लोग को इंतजार का यार मेहनत दोस्तों मिटा दूंगा, तो आप लोग यार लास्ट तक बने हो यार, एकदम बिल्कुल लास्ट तक बने हो, एकदम बिल्कुल ठोक देंगे सभी क्वेश्चन आप लोग को दिमागों में। पूरे यूट्यूब पर खोले इस चैप्टर से इतना ऑब्जेक्टिव कहीं किसी ने नहीं कराया है, ठीक है ना। चलिए बेटे फोन नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि दाब बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण की क्षमता क्या होगी? यार क्षमता के बात क्या है, ठीक है ना, मानकर क्षमता कह सकते हो यार इसमें जो क्षमता, जैसे आप में क्षमता मेहनत करने की, उसी प्रकार दाब बढ़ाएंगे भौतिक अधिशोषण में तो जाहिर सी बात इसमें दोस्तों क्या है, इंक्रीजिंग आई या डी इंक्रीजिंग, बिल्कुल 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 बढ़ता है यार, कि क्षमता यार बात करें, क्षमता की बात करें, क्षमता यार बढ़ जाएगी, ठीक है ना, बढ़ जाएगी दाब बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण बढ़ जाएगी, यानी कि क्षमता की यार बात क्या रही थी, ठीक है ना, तो क्षमता दोस्तों बढ़ जाएगी। चलिए बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है यार, चलिए बिल्कुल तहलका ही मचा देंगे हम लोग। चलिए देखिए यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कॉल आईडी बिलियन, तो आप लोग कमेंट करो कौन है दोस्तों कॉल आईडी बिलियन, तो कॉल आईडी बिलियन या तो गोंद भी है या कौन दोस्तों, ये साबित तो कॉल आईडी बिलियन है, ये आप लोग सोचते हैं सर जी कुछ ख्याल में गड़बड़ है मेरे, तो यहाँ से सब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि जब कोलाइडी बिलियन वगैरह पूछेगा हम लोग एग्जाम्पल भी लिखते हैं तो उसका एक नंबर मिलता है, तो आप लोग समझिए यहाँ पर तीनों दोस्तों आप लोग हो जाएंगे बिल्कुल सही हो जाएंगे, क्योंकि कोलाइडी बिलियन का जो तो एग्जाम्पल है डीआर वो कौन कौन सा है, खून भी है, गोंद भी है, जेल भी है, ये तीनों दोस्तों जो कोलाइडी बिलियन का उदाहरण पेश करता है, तो डीआर आप लोग ध्यान रखना एग्जाम में यार पूछे जाते हैं खून दोस्तों किसका उदाहरण है, तो कोलाइडी बिलियन, गोंद भी कोलाइडी बिलियन, जेल भी दोस्तों कोलाइडी बिलियन। आप देखो यहाँ पर क्या चैनल देखिए एजुकेशन लेक्चर, यहाँ पर देखिए आप क्लियर एकदम मजा आ जाएगा, एक दो मिनट रुक जाए मजा आ जाएगा आप लोगों को। देखिए निम्नलिखित में से कौन वास्तविक बिलियन, देखिए वास्तविक बिलियन आपका दिया तो नमक चीनी ग्लूकोज ये सभी दोस्तों, यानी कि इनमें से सभी हो जाएंगे, इनमें से सभी दोस्तों आप लोगों का मजा आ रहा है कि यार यहाँ पर मुझे मेरा इतना बेहतर बेहतर क्वेश्चन, यार मुझे पूछता है वास्तविक बिलियन को तो मैं सोचने लगता हूँ, यहाँ तो मुझे तीन तीन एग्जाम्पल मिल गए यार, नमक भी वास्तविक बिलियन यार, चीनी भी, इसका साइज क्या होता है ये आप लोग का दिमाग में यार बतलाएंगे सभी आप लोग का क्लियर होगा यार, इसीलिए कहते हैं लास्ट तक बने रहो। चलिए बहुत स्टूडेंट मेरे बातों को समझ आया, चलिए डी नंबर बिल्कुल सही है दोस्तों, नमक चीनी ग्लूकोज ये सभी वास्तविक बिलियन है, देखो अब मजा आएगा दोस्तों, आप देखो आप लोग समझ गए क्या मजा आने वाला है, नीचे देख पा रहे होंगे। चलिए यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन निलंबन बिलियन है, या निलंबन का मतलब समझे मिट्टी हो जाएगा आटा सबसे बड़ा बड़ा हो गया, ठीक है ना, बड़े बड़े कल इसमें हो गए, ठीक है ना, इसीलिए दोस्तों मिट्टी भी दोस्तों बड़ा करो तो सत्तू का भी आटा का भी इनमें से सभी हो जाएंगे, सोड या 27 का भी डी नंबर हो गया, देखिए लगातार डी नंबर हो गया सर। आप देखिए यहाँ पर क्या होने वाला, आप देखिए कोलाइडी यहाँ पर देखो कोलाइडी में दोस्तों व्यासों का दोस्तों आकार होता है, कोलाइडी में व्यास का अपरास होता है, देखो यहाँ पर कंफ्यूज मत करना यार मेरे प्यारे लाल, आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज मत करना, तो यार थोड़ा सा लास्ट तक बने रहोगे तो यहाँ पर तो 5 मिनट आपके लिए बहुत राम बाल साबित होगा। देखिए कैसे लेकिन मैं से कौन व्यास का परास है, देखो व्यास का परास आप लोगों को कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा,
अरे यार व्यास का प्रास पूछा है तो आप लोग सर ने बताया एक से लेकर एक लेकर 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 100 नैनोमीटर, आप लोग 1000 नैनोमीटर, ठीक है ना। तो आप लोग देखें कि यार बी नंबर तो बिल्कुल सही है। अरे यार मैंने तो सेंटीमीटर में पढ़ा है और आया भी था दोस्तों, पिछले बार 2022 में सेंटअप एग्जाम में दोस्तों सेंटीमीटर में भी आया था। यार कन्फ्यूज हम लोग कर गए, आप लोग ऐसा सोचेंगे। अभी तो आप लोग दोस्तों नहीं देखे हैं क्वेश्चन बैंक वगैरह, आप लोग देखेंगे तो आप लोग को पता चलेगा। कोई लाइडी में ब्यासों का कहा तो मैंने सेंटीमीटर में पढ़ा, यहाँ पर दोस्तों यार नैनोमीटर में देखा है, एक से लेकर 1000 नैनोमीटर। ब्यास में पूछा, ब्यास का पढ़ा। आप देखो देखो आप देखो क्या हो रहा है, आप देखो यार आप देखो देखो आप लोग को आँख खुला होगा यार। कोलाइडी कणों का आकार, अब देखो अब आकार की बात आ गया। यहाँ पर परास था, परास पूछेगा तो बी नंबर सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप लोग का दोस्तों कहा जा रहा है कि आप कोलाइडी कणों का आकार, ये दोस्तों कणों का आकार होता है वो कितना होता है, बिल्कुल 10^-5 से लेकर के 10^-7 तक होता है। देखो 2 नंबर बिल्कुल आप लोगों को क्लियर हो गए यहाँ से, तो शेयर जरूर करना, वीडियो को लाइक कर दो। देखो और भी आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। देखो ये सब करा रहे ना डियर, आप लोगों को सब्जेक्टिव में बहुत हेल्पफुल होगा, आप लोगों को सब्जेक्टिव झड़ाझड़ याद होगा, झट झट याद हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव से मैंने ये क्वेश्चन सभी कवर किया है। और थ्योरी में सही ऑब्जेक्टिव आता है यार, बुक होता है ना उस थ्योरी होता है उसी में सब्जेक्टिव आता है ना कि ऑब्जेक्टिव चीज आता है, ठीक है ना। तो यही सब क्वेश्चन देख सबको लगातार बोर्ड एग्जाम में मेरा दोस्तों बच्चा से कायम है, ठीक है ना, तो लास्ट तक बने रहो। अब देखो वास्तविक बिलियन कणों का दोस्तों आकार देखो कितना है, आप लोग कमेंट करो। निम्न में से वास्तविक बिलियन का आकार होता है तो कितना होता है, निम्न में से वास्तविक बिलियन का आकार दोस्तों कितना होता है, सब लोग कमेंट कीजिए। चलिए बिल्कुल का सही है डियर, 10^-7 सेंटीमीटर से कम होता है, ठीक है ना। वास्तविक बिलियन की बात कर रहा था यार, वास्तविक बिलियन का आकार जो होता है 10^-10^7 सेंटीमीटर से दोस्तों इंक्रीज यानी कि दोस्तों कह सकते हो कम होता है, ठीक है ना। बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन आप लोग का सही डियर, आप लोग लगा भी रहे हैं, चले बहुत अच्छी बात है यार। ये सब क्वेश्चन तो लगातार बोर्ड एग्जाम में अपने बच्चा सुको यार बनाए हुए हैं, तो बोर्ड एग्जाम में यही सब क्वेश्चन सेलेक्ट होंगे। चलिए निम्न में से नीलांबर का आकार होता है, देखिए ये सब क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है नीलांबर का, ये सब यूट्यूब पर नहीं मिलेगा यार, आप लोग को बोल रहे हैं। मैं आप लोग को जितना बेहतर कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को बिल्कुल प्रोफिट करूँ, ऑब्जेक्टिव में बिल्कुल क्लियर करा दूँ, तो सब्जेक्टिव क्लियर हो गया यहीं पर आप लोग को मिलेगा, इसीलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए देखो यहाँ पर देखो नीलांबर का आकार होता है 10^-5 सेंटीमीटर से कम होता है, ठीक है ना। दोस्तों आप लोग वास्तविक बिलियन में देखे तो 10^-7 सेंटीमीटर से ज्यादा हो रहा था, ठीक है ना। चलिए सॉरी काम ना हो रहा था यहाँ पर काम हो रहा था ना डिया, सॉरी यहाँ पर वास्तविक बिलियन पूछा काम होगा, यहाँ पर दोस्तों नीलांबर पूछा, तो आप लोग लगा सकते हो बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन ज्यादा, 10^-5 सेंटीमीटर से ज्यादा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि द्रव स्नेह, देखो यहाँ पर भी आप लोग को क्लियर हो रहे हैं, कहा जा रहा है कि द्रव स्नेह लसीले कोला। देखो आप लोग जानते होंगे यार, आप तो रहा दोस्तों इंग्लिश का जमाना, तो देखेंगे आप लोग यहाँ पर द्रव स्नेह नहीं देगा, पूछेगा लाइफिलिक कोलाइड कौन है, या लाइफिलिक दोस्तों जो कहा जाता है द्रव स्नेह को क्या कहा जाता है दोस्तों, द्रव विरोधी को दोस्तों लाइफोलिक कहा जाता है फोबिक। तो यहाँ पर आप लोग को स्नेह पूछा है कि देखो मैंने हिंदी यहाँ पर दे दिया ताकि आप लोग कोई दिक्कत ना हो, बिल्कुल ये अनुत्क्रमणीय होता है। अगर दोस्तों द्रव विरोधी की बात करें तो वो अनुत्क्रमणीय होता है, तो दोस्तों द्रव स्नेह जो होगा वह उत्क्रमणीय होगा, इसलिए ए नंबर बिल्कुल सही है। यही सब क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है, जो कि बोर्ड एग्जाम में यही सब क्वेश्चन दोस्तों बोर्ड एग्जाम में छापने वाले हैं, इसीलिए मैं आप लोग को बोलता हूँ यार लास्ट तक बने रहो, बिल्कुल आप लोग को क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग बात को समझते हो ताकि लास्ट तक बने हुए। चलिए चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो द्रव विरोधी कोलाइड आप क्या कहते हैं। देखो उस पहले बार में अनुत्क्रमणीय हुआ इसलिए आप लोग बता दोगे। चलिए बिल्कुल अनुत्क्रमणीय होगा यार, बिल्कुल बी नंबर सही है, क्योंकि दोस्तों द्रव स्नेह था दोस्तों वो दोस्तों उत्क्रमणीय हुआ है, द्रव विरोधी है लाइफोबिक हो गया, लाइफोबिक हो गया, इसीलिए आप लोग का बी नंबर सही हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे अनुत्क्रमणीय हो जाएंगे, द्रव विरोधी कोलाइड कैसा अनुत्क्रमणीय हो जाएंगे। चलिए चलिए बहुत ही अच्छी बात है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे, अनुत्क्रमणीय हो जाएंगे, द्रव विरोधी कोलाइड कौन कहलाते हैं लाइफोबिक, तो दोस्तों अनुत्क्रमणीय यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल आप लोग का सही हो जाएंगे। चलिए बहुत ही अच्छी बात है डियर, आप लोग यार तो एकदम गाढ़ा गाढ़ा छुड़ाए हुए, चलिए बिल्कुल गाढ़ा छुड़ा देंगे हम लोग ऐसे ही। चलिए देखिए 34 नंबर क्वेश्चन, कहा जा रहा है दोस्तों कि द्रव स्नेह लाइफोलिक फिलिक कोलाइड पर कौन सा आवेश पाया जाता है। देखिए आप लोग इसमें बिल्कुल लगा सकते हो यार, इसमें दोस्तों धन आवेश पाया जाता है, ऋण आवेश पाया जाता है, शून्य आवेश पाया जाता है, तो आप लोग सोचेंगे डी नंबर लगा दे सर, मुझे तो डाउट लग रहा है डी नंबर पर, यार लगा तो नहीं बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों आप लोग को सब्जेक्टिव वगैरह होगा द्रव स्नेह, देखो आप लोग ध्यान समझना
द्रव्यवृद्धि में दोस्तों आंतर पूछा जाता है 5 मार्क्स में। आप लोग को ये पता चल जाएगा डियर कि ये इसमें दोस्तों धन आवेश होता है, इसमें ऋण आवेश होता है, इसमें सभी होता है, ये सब पता चल जाएगा। तो आप लोग बना करके लिख दोगे सब्जेक्टिव, जब सब्जेक्टिव कहोगे यार एकदम बिल्कुल एकदम का क्या कहूँ मैं दोस्तों एकदम बिल्कुल करा एकदम बिल्कुल आप लोग का क्लियर हो जाएगा। यार देखोगे सब्जेक्टिव एक रहेगा तो आप लोग का बिल्कुल क्लियर हुआ रहेगा, क्योंकि दोस्तों आप लोग को यहाँ पर जो किया जा रहा है दोस्तों कोच है वो दोस्तों बिल्कुल थ्योरी से किया जा रहा है, और थ्योरी का मतलब दोस्तों सब्जेक्टिव है, समझे, सब्जेक्टिव आप लोगों को क्लियर हो रहा है। और जब जब दोस्तों थ्योरी आप लोग का क्लियर होगा सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्टिव तो बिल्कुल क्लियर होगा, उसी प्रकार दोस्तों जब आप लोग को सब्जेक्टिव हम कराएंगे तो बिल्कुल सब्जेक्टिव आप लोग को क्लियर रहेगा, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्टिव जो कवर किया दोस्तों थ्योरी से किया, और थ्योरी से ही ऑब्जेक्टिव आता है यानी कि सब्जेक्टिव से, इसलिए आप लोग समझिए। यही मेरा दोस्तों रामपाल दोस्तों क्वेश्चन है दोस्तों जो कि मैं लड़वा देता हूँ, जब जो कि इनमें से दोस्तों सभी होगा यानी कि इनमें से सभी ने धन आवेश ऋण आवेश शून्य आवेश तीनों पर दोस्तों द्रव अस्थायी लव फिलिक कोलाइड पाया जाता है, इसीलिए डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर देखिए द्रव अस्थायी कोलाइड दोस्तों उदाहरण है, चलिए ये भी देखो आप लोग क्लियर कर लीजिए। द्रव अस्थायी मैंने बोल रहा था यार कि द्रव अस्थायी तो दोस्तों लव फिलिक को कहा जाता है, या जिलेटिन भी होता है, गोंद भी होता है, स्टार्च भी, ग्लू भी होता है, ठीक है ना, ये सब क्या है तो आप लोग को पता है द्रव अस्थायी का यार लायोफिलिक है, लायोफिलिक है यार बिल्कुल डी नंबर आप लोग लगा दो। देखो यहाँ पर विशेष एग्जांपल के तौर पर मैंने कॉमा भी लगा दिया है, तो समझिए इतना मेहनत आपके लिए करते हैं यार। आप लोग लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यार, यही सब क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में लगातार अपने छाप को बनाए हुए लगातार ये सब क्वेश्चन है दोस्तों बोर्ड एग्जाम में यार पूछे जा रहे हैं। आप लोग भी दोस्तों बेहतर शिक्षा प्राप्त करो तो बिल्कुल आप लोग एकदम बिल्कुल 35-35 का या 100 में 100 लेकर के आओगे, 70 में 70, ठीक है ना। लेकिन आप लोग ये चक्कर में रह जाते हो कि यार सर जी सही बोल रहे हैं कि गलत, अरे यार मेरे बात को समझिए ना, आप लोग किताब से क्वेश्चन हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वहीं से आप लोग को बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो डी नंबर बिल्कुल सही देंगे, जिलेटिन में गोंद भी और स्टार्च ग्लू ये सही दोस्तों कोलाइड का उदाहरण है, तो बिल्कुल डी नंबर सही हो गया। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है यार कि द्रव अस्थायी लॉय फिलिक कोलाइड होते हैं, बताइए आप लोग भी यार द्रव अस्थायी दोस्तों लॉय फिलिक कोलाइड होते हैं बताइए। चलिए चलिए बहुत ही अच्छा डियर, अस्थायी होते हैं बिल्कुल एकदम तहलका मचा हुआ, बिल्कुल ये नंबर सही हो गया दोस्तों। द्रव अस्थायी जो दोस्तों जो होता है लॉय फिलिक वो दोस्तों अस्थायी होता है, क्या होता है अस्थायी होता है, इसीलिए ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं, समझिए। 36 108 दोस्तों यानी कि 72 ऑब्जेक्ट है बात हुई यार, लास्ट तक बने हुए प्यारे लाल, आप लोग लास्ट तक बने रहोगे तो बिल्कुल तहलका मचा देंगे, चक्कर में ना रहिए वो कि चक्कर में कहिए दोस्तों, क्योंकि कोई नहीं है दोस्तों ये एजुकेशन लेक्चर के टक्कर में, आप क्यों पढ़ो औरों के चक्कर में, ठीक है ना, नहीं है एजुकेशन लेक्चर के टक्कर में। आप लोग सही में दोस्तों देख लो यूट्यूब पर पूरे वीडियो खोल दीजिए, आप लोग को इस चैप्टर से इतना ऑब्जेक्ट कहीं नहीं मिलेगा। देखो ये सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पूछेंगे, उसी क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। यह पूछा गया था कि दोस्तों कब पूछा गया था, 2021 में, भौतिक अधिसूचना में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होती है, चलिए बताइए के जी मूल में। चलिए चलिए बहुत अच्छा मेरे प्यारे लाल, बहुत अच्छा आप लोग तो बिल्कुल मेरे जिगर के छल्ले हो, बिल्कुल ए नंबर लगाने वाले स्टूडेंट बिल्कुल तहलका मचा दिए हैं। 20 से 40 दोस्तों जो होता है के जी दोस्तों के जी मोल में दोस्तों होता है, ठीक है ना, चलिए बिल्कुल भौतिक अधिसूचना लगभग होता है के जी मोल दोस्तों में होता है, ठीक है ना, तो बिल्कुल ए नंबर से जुड़े। देखो ये सब दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया 37 नंबर, तो अब जाहिर सी बात है कि 38 नंबर भी कहीं पूछेगा, या 37 नंबर क्वेश्चन पूछ दिया बोर्ड एग्जाम में तो 38 नंबर भी पूछेगा। रासायनिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होती है यार, यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो थोड़ा हो सकता है आगे पीछे, ठीक है ना, तो बताओ। चलिए बहुत ऐसा बात है यार, 40 से लेकर 400 तक, ठीक है ना, ये आप लोग का ऊष्मा उत्सर्जित होता है रासायनिक अधिशोषण में, ऐसा होता है यार। अंतर बेगा सब क्लियर हो जाएगा क्योंकि यहाँ से क्लियर कर रहे हैं हम लोग। बादल कुहासा निम्न में से किसका उदाहरण होता है बताइए, बादल है दोस्तों कुहासा, बादल कुहासा, देखो ये सब क्वेश्चन यार पूछे गए हैं 2021 के सेंट अप एग्जाम, हाँ याद आ गया 21 के सेंट अप एग्जाम में, लगाइए इसका आंसर आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल द्रव में दोस्तों गैस का मिश्रण है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल सही है, द्रव में गैस का मिश्रण है, बादल और दोस्तों दोनों दोस्तों कुहासा है, ये दोस्तों द्रव का गैस में मिश्रण है, द्रव का गैस में मिश्रण है, तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही देंगे, द्रव का गैस में मिश्रण होता है। चलिए देखिए दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि स्टार्च प्रोटीन AH2S3 क्या है, गोल्ड निम्न में से किसका उदाहरण है, देखो कहा जाए स्टार्च प्रोटीन AH2S3 गोल्ड निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, बिल्कुल बिल्कुल सब स्टूडेंट का कहना है कि ठोस का द्रव में दोस्तों मिश्रण है, बिल्कुल सही है। ये सब एग्जांपल को एक एग्जांपल रहेगा, बोर्ड एग्जाम पूछेगा प्रोटीन किसका उदाहरण, तो आप लोग ख्याल रखना
ठोस का द्रव्यमिश्रण। अगर पूछेगा स्टार्च किसका उदाहरण, तो ठोस का द्रव्यमिश्रण। पूछेगा दोस्तों गोल्ड किसका उदाहरण, ठोस का द्रव्यमिश्रण। ये चारों मैंने क्लियर कर दिया एक क्वेश्चन से। तो समझिए दोस्तों 150 पर सब्जेक्टिव चैप्टर, ठीक है। इस चैप्टर से दोस्तों मैंने पहले चैप्टर में ऑब्जेक्टिव भी क्लियर किया था, ताकि आप लोग को बोर्ड एग्जाम में या इसी से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना। ऐसा मैं कोशिश करता हूँ। चलिए बिल्कुल डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखो यार 41 नंबर क्वेश्चन कहा था कि टिंडल प्रभाव पाया जाता है, टिंडल प्रभाव पाया जाता है, तो बताओ टिंडल प्रभाव सोल में पाया जाता है। चलिए बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा मेरे प्यारे लाल, बिल्कुल तार कमा चाहिए सोल में। टिंडल प्रभाव पाया जाता है तो कहाँ, तो सोल में पाया जाता है। सोल यार सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे, सोल में पाया जाता है। चलो दोस्तों देखिए यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन, तो कहा जा रहा है कि भौतिक अधिशोषण में गैस के अणु किस सतह पर बांधे रहते हैं। भौतिक अधिशोषण में गैस के अणुओं की सतह पर बांधे रहते हैं, भौतिक अधिशोषण में पूछा, तो जाहिर सी बारे की बात है कि वैन डर वाल्स तो लगेगा। चलिए वैन डर वाल्स के द्वारा दोस्तों भौतिक अधिशोषण अपने सतह पर दोस्तों अणुओं को बांधे रहते हैं, एकदम बिल्कुल डियर स्टूडेंट। आप लोग बिल्कुल तहलका मचाओ, भौतिक अधिशोषण में दोस्तों गैस के अणुओं की सतह पर बांधे होते हैं, तो वैन डर वाल्स, ठीक है ना, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए आप लोग देखेंगे यहाँ तो मेरा चैनल का नाम लिखा हुआ है दोस्तों, पीडीएफ लेने के लिए आप लोग को स्क्रीन शॉट ले लेना, अभी मत जाना पीडीएफ के चक्कर में, ठीक है ना, स्क्रीन शॉट लेकर के रख ले दो यार, ठीक है ना, क्योंकि आपके लिए किया जा रहा है। चलिए देखो 91 42 54 पर आप लोग को पीडीएफ के लिए मैसेज कर देना है, ठीक है ना, तो बिल्कुल आप लोग को दे दिए जाएंगे। ये मत चक्कर में रहो कि अभी जाते हैं अभी मैसेज करेंगे पीडीएफ मिलेगा, ऐसा नहीं होता डियर, आप लोग पूरा क्लियर कर लो बेहतर होगा, ठीक है ना। चलिए पीडीएफ का चक्कर में रहोगे यार कभी भी नहीं पढ़ोगे, ठीक है ना, मैं कहता हूँ क्लास कर लो फिर पीडीएफ ले लो। चलिए 43 नंबर में देखेंगे डियर, तो कहा जा रहा है ना, क्या कहा जा रहा है कि द्रव में किसी द्रव का परिक्षेपण कहलाता है, तो द्रव में द्रव का परिक्षेपण दोस्तों पास कराए, क्योंकि दूध इसी का उदाहरण है माई डियर स्टूडेंट। दोस्तों एग्जाम में पूछा जाएगा कौन है जो द्रव का द्रव में दोस्तों परिक्षेपण कहलाता है, द्रव का द्रव, द्रव में किसी द्रव का दोस्तों परिक्षेपण का उदाहरण कौन है, तो दूध भी दे सकता है, ऐसे भी दोस्तों बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यार मैं तो आप लोग को कहता हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो रिजल्ट क्लियर, ठीक है ना, तो पास हो जाएंगे बिल्कुल सी नंबर आप लोग का सही उत्तर हो जाएंगे, द्रव में द्रव का परिक्षेपण जो कहलाता है पास कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट आप लोग ऑप्शन नंबर सी सिलेक्ट किए तो बिल्कुल सही है। चलिए देखिए गैसों का दोस्तों ठोस तथा गैस का ठोस तथा भौतिक अधिशोषण का कारण क्या है, गैसों का ठोस तथा यहाँ पर कुछ और होना चाहिए, भौतिक अधिशोषण का कारण क्या है। चलिए थोड़ा यहाँ पर क्वेश्चन में आगे पीछे हो गया होगा डियर, ठीक है ना, थोड़ा टाइपिंग वगैरह करने में, तो यहाँ पर आंसर देखेंगे तो आप लोग का दिया जा रहा है दोस्तों 44 का बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन वैन डर वाल्स, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन तो कहा जाए गैस तथा गैस का दोस्तों ठोस होता है भौतिक अधिशोषण पर किस कारण होता है, ठीक है ना, तो वैन डर वाल्स के लिए तो मैंने कवर ही कर दिया यार। चलो देखो यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन, ठोस पर किसी द्रव का परिक्षेपण कहलाता है, ठोस पर किसी द्रव का परिक्षेपण कहलाता है, ठोस पर किसी द्रव का परिक्षेपण दोस्तों पास कहलाएगा, ठीक है ना, अपन ने अभी आप लोग को बताया, ठीक है ना, बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन आप लोग का सही होगा। ओहो सॉरी 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 डियर, यहाँ पर आप लोग को क्या करना है दोस्तों, देखो यहाँ पर ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का पूछा या सॉरी सॉरी ठोस पदार्थ दोस्तों किसी द्रव पर परिक्षेपण पूछा या, यहाँ तो जेल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए यार, इसमें कोई संकोच नहीं, जेल होना चाहिए, ठीक है ना, बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन। यहाँ पर थोड़ा इस क्वेश्चन को भी कवर कर लेते हैं ताकि आप लोग को दोस्तों डाउट वगैरह क्लियर हो जाएंगे। ये दोस्तों क्या था, द्रव में किसी द्रव का परिक्षेपण दोस्तों पास करा, द्रव में द्रव कराएगा तो पास होगा, द्रव में द्रव कराएगा तो पास होगा, लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्या बोला, ठोस का द्रव बोला यार, ठोस का किसी पदार्थ पर द्रव पहुंचा है इसलिए जाल कहलाएंगे। तो एजुकेशन लेक्चर यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया है तो ठोकिए आप लोग यार, आप लोग बिना बिल्कुल तहलका मचाइए बिल्कुल ठोक ठोक के। चलिए 45 क्वेश्चन हम लोग अभी तक कवर कर लिए हैं, बिल्कुल आप लोग लास्ट तक यार बने रहो, एमबीए में खत्म हो जाए लेकिन आप लोग पूरा क्वेश्चन को देख लो। चलो 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भौतिक अधिशोषण की क्रिया होती है कहाँ पर होती है, काच ताप की उच्च ताप, किसी ताप पर नहीं कि निम्न ताप पर। चलिए बहुत अच्छी बात है, काच ताप पर होती है डियर स्टूडेंट, ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएंगे, भौतिक अधिशोषण की क्रिया काच ताप पर होती है इसीलिए ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल आप लोग का सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए बहुत ही अच्छा, चलिए काच ताप ए नंबर आप लोग का बिल्कुल सही देंगे।
एंजाइम दोस्तों किसका मुख्य अवयव होता है, एंजाइम जो होता है दोस्तों किसका मुख्य अवयव होता है, इसमें तो सब लोग बता देंगे प्रोटीन का, बिल्कुल सही है दोस्तों। एंजाइम ये लगातार बोर्ड एग्जाम में अपने छाप को बनाए हुए क्वेश्चन लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाए, एंजाइम के मुख्य अवयव होता है तो प्रोटीन का होता है, एंजाइम का मुख्य अवयव होता है तो प्रोटीन का, ठीक है ना। तो बिल्कुल ए नंबर ऑप्शन से देंगे, एंजाइम का मुख्य अवयव होता है तो प्रोटीन होता है, ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर देंगे। अपमार्जक को कहा जाता है यार, अपमार्जक को यार पृष्ठ सक्रियण कहा जाएगा, ये तो पॉपुलर क्वेश्चन ट्वेल्थ का, ठीक है ना। ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएंगे, पृष्ठ सक्रियण हो जाएंगे, क्यों होंगे पृष्ठ सक्रियण हो जाएंगे दोस्तों, अपमार्जक को ही कहा जाता है पृष्ठ सक्रियण, ठीक है ना। तो बिल्कुल ए नंबर सही है। देखो द्रव स्नेही दोस्तों को लाइट का उदाहरण, देखिए मैंने शुरुआत में बोला क्या क्या था दोस्तों, क्या था बताइए आप लोग, ग्लू था, जिलेटिन था, गोंद था और क्या था, ये तीन एग्जाम्पल है दोस्तों जो कि जिसमें से एक जिलेटिन भी है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा, जिलेटिन दोस्तों द्रव स्नेही। देखो यहाँ से समझिए एक नंबर आप लोग का बिल्कुल क्लियर हो जाता है द्रव स्नेही से, लगातार बोर्ड एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाना तो बोर्ड एग्जाम में समझिए आप लोग के लिए एकदम हलवा बन गया है, नाम ही दोस्तों बोर्ड एग्जाम हलवा का है, ठीक है ना, ऐसा समझिए। टोलिन नामक एंजाइम का स्रोत है, देखो टॉलिन नामक एंजाइम का स्रोत है, तो जिनके लाल लगाएंगे कुछ स्टूडेंट जो कि बिल्कुल सही हो, चलिए बिल्कुल टॉयलेन नामक एंजाइम का स्रोत है तो जीव की लार, ठीक है ना, जीव की लार बिल्कुल सी नंबर सही है, टॉयलेन नामक एंजाइम का स्रोत है तो जीव की लार, ऑप्शन नंबर सी वाला स्टूडेंट बिल्कुल सही उत्तर लगाए हैं। चलिए देखिए दोस्तों 51 नंबर क्वेश्चन कहा जाए दोस्तों, कोई उत्प्रेरक रासायनिक क्रिया का वेग एवं दर को क्या करता है, बढ़ा या घटा सकता है, कोई उत्प्रेरक रासायनिक क्रिया का वेग को क्या कर सकता है, तो आप लोग सोचेंगे, आप लोग दो तीन सेकंड सोचेंगे फिर आंसर करेंगे, बढ़ा या घटा सकती है यदि दोस्तों क्रिया चल रही है तभी, ठीक है ना, या जैसे क्रिया चलेगा तभी उत्प्रेरक क्रिया का रासायनिक वेग को बढ़ा या घटा सकता है, अगर बढ़ा या घटा सकता है तो बिल्कुल डी नंबर ही होगा। प्लीज ज्वाइन टेलीग्राम यूट्यूब चैनल, देखो आप लोग तो व्हाट्सएप को यार दोस्तों ज्वाइन किए लेकिन टेलीग्राम को यार भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर आप लोग को अपडेट वगैरह दिए जाते हैं, ठीक है ना, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। कहा जा रहा है दोस्तों कि विलायक विरायक कोलाइड कहलाते हैं, विलायक विरायक कोलाइड दोस्तों क्या कहलाते हैं, चलो बहुत अच्छी बात है डियर स्टूडेंट, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही देंगे, लायोफोबिक कोलाइड कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, लायोफोबिक कोलाइड कहलाते हैं डियर स्टूडेंट, इसीलिए बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही देंगे, विलायक विरागी कोलाइड क्या होता है, लायोफोबिक होते हैं, ठीक है ना, अगर स्नेही पूछेगा तो लायोफिलिक हो जाएंगे, ठीक है ना, ये सब याद रखना यार बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। लो आ गया दोस्तों, मैंने बोला अभी विलायक स्नेही कोलाइड क्या लायोफिलिक कहलाएंगे, 53 का ए नंबर बिल्कुल सही देंगे, लायोफिलिक कहलाएंगे डियर, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल आप लोग का सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर 54 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोलाइडिक कणों का शुद्धिकरण, शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है, कोलाइडिक कणों का शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है, चलो सब लोग कमेंट करो कोलाइडिक कणों का शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है, चलो 54 का सी डायलिसिस तो ऑप्शन नंबर सी देंगे, कोलाइडिक कणों का शुद्धिकरण डायलिसिस के द्वारा, इसलिए स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए उत्प्रेरक एक वास्तु है जो क्या करता है, ये भी क्वेश्चन लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है, समवस्था प्राप्त करने की दोस्तों गति को या तो कर सकते हो समय को कम कर देता है, चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, समवस्था प्राप्त करने के दोस्तों समय को कम कर देता है, इसलिए सी नंबर बिल्कुल सही नहीं, उत्प्रेरक एक वास्तु समवस्था प्राप्त करने के दोस्तों समय को कम कर देता है, इसलिए सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर देंगे। चलिए 56 नंबर देखिए, उत्प्रेरक अभिक्रिया के दर को दोस्तों क्या करता है, उत्प्रेरक अभिक्रिया के दर को दोस्तों सक्रियण ऊर्जा को घटा करके बढ़ाता है, दोस्तों उत्प्रेरक अभिक्रिया के दर को बढ़ाता है दोस्तों सक्रियण ऊर्जा को घटा करके, उत्प्रेरक के पास उत्प्रेरक अभिक्रिया को दर को बढ़ाता है घटाता है दोस्तों असक्रियण ऊर्जा को घटा करके, ठीक है ना, चलिए इसमें बेसिक क्वेश्चन सब लोग जानते होंगे, सक्रियण ऊर्जा हो जाएंगे, ठीक है ना, क्या हो जाएंगे सक्रियण ऊर्जा हो जाएंगे, बिल्कुल सी नंबर सही हो गया, यानी कि दोस्तों उत्प्रेरक अभिक्रिया के दर को बढ़ाता है, ठीक है ना, सक्रियण ऊर्जा को घटा करके, देखो लास्ट तक बनो यार बहुत अच्छी बात है, सब लोग लास्ट तक बने रहना, ठीक है ना,
मैं भी थोड़ा थक गया हूँ दोस्तों, थक कराते कराते, ठीक है ना। तो यार आप लोग को नहीं थकना है, आप लोग तो यार दोस्तों युवा हो, ठीक है ना, बिल्कुल तहलका मचा दोगे आप लोग, वो जुनून है जो आप लोग टॉपर कर सकते हो। चलिए, ग्लूकोज को इतना परिवर्तित करने वाला एंजाइम क्या कहलाएगा? इन्वर्टेज, जाइमेस, लैक्टोज, माल्टोज, ये सब क्वेश्चन यार पूछा था एग्जाम में, तो मैं क्या करूँ, कैसे बताऊँ आप लोग को पूछता है। कुछ स्टूडेंट यही चक्कर में रहते हैं कि यार पूछेगा कि नहीं, यही चक्कर में छोड़ के चले जाते हैं, यही सब क्वेश्चन है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा, जाइमेस हो जाएंगे, यानी कि ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम जो कहलाता है जाइमेस कहलाता है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, ग्लूकोज इथेनॉल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम क्या कहलाता है? जाइमेस कहलाता है। सो डियर, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल आप लोग का सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए, 58 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, डियर स्टूडेंट, जांतव झिल्ली में छान जाने वाले बिलियन क्या कहलाते हैं? जांतव झिल्ली में छान जाने वाले बिलियन जो कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, समांगी बिलियन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समांगी, यानी कि जांतव झिल्ली जो होता है दोस्तों इसमें छान जाने जो बिलियन कहलाएगा वो समांगी बिलियन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समांगी बिलियन। किसमें? तो जांतव झिल्ली में छान जाने दोस्तों बिलियन कहलाता है वो समांगी बिलियन कहलाता है। सो डियर, ए नंबर बिल्कुल आप लोग का सही हो जाएंगे। चलिए, यहाँ पर 59 नंबर देखेंगे तो कह रहा है कि प्लैटिनम का उपयोग निम्नलिखित में किस रासायनिक क्रिया में किया जाता है? यार इसमें बतला दो। चलिए, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। प्लैटिनम का उपयोग दोस्तों किस रासायनिक दिशोषण क्रिया में किया जाता है? अमोनिया से दोस्तों नाइट्रिक अम्ल बनाने में। बिल्कुल एकदम वीवीआई क्वेश्चन, यार यार कैसे बताऊं, महा वीवीआई, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों प्लेटिनम जो होता है दोस्तों इसका उपयोग दोस्तों तो किया जाता है अमोनिया को दोस्तों नाइट्रिक अम्ल बनाने में किया जाता है। देखना होगा चल के आप लोग पढ़ोगे दोस्तों ये सब चैप्टर, ठीक है ना। चलिए देखिए, दूध है, दूध दोस्तों किसका उदाहरण बताइए आप लोग, दूध किसका उदाहरण है? बिल्कुल, जाल में प्रक्षेपित भाषा का दोस्तों उदाहरण है, ठीक है ना। दूध है जाल में प्रक्षेपित भाषा का उदाहरण है, इसीलिए ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल आप लोग का सही उत्तर देंगे। दूध दोस्तों जाल में प्रक्षेपित भाषा का उदाहरण है, इसीलिए ए नंबर आप लोग का सही उत्तर देंगे। यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर तो आप लोग सब्सक्राइब किए तो कर लीजिए। देखिए 61 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका किस धातु का निष्कासन मेक आउथर विधि द्वारा किया जाता है? मैक आउथर विधि द्वारा किस धातु का निष्कासन किया जाता है? सिल्वर का, यार यानी कि एजी, ठीक है ना, एजी यानी कि सिल्वर का हो जाएगा यार, जो कि दोस्तों एजी जो होता है दोस्तों मैक आउथर विधि द्वारा दोस्तों क्या किया जाता है? निष्कासन किया जाता है। ये सब क्वेश्चन दोस्तों पूछेगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कासन मैक आउथर विधि द्वारा किया जाता है? आप लोग ध्यान रखना, एजी, एजी, एजी यानी कि सिल्वर। चलो देखो, यहाँ पर 62 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि तापक्रम के प्रति संवेदनशील उत्प्रेरक है? तापक्रम के प्रति, बोला तापक्रम के प्रति जो होता है ना वही। चलिए, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। चलिए, जाइमेस होते हैं, जाइमेस यानी कि जाइमेस जो होता है दोस्तों तापक्रम के बदलाव के प्रति संवेदनशील उत्प्रेरक होता है। सोडियर, सी नंबर आप लोग का बिल्कुल सही उत्तर देंगे, तापक्रम के बदलाव के प्रति संवेदनशील उत्प्रेरक जाइमेस होता है। चलिए देखिए, 63 नंबर क्वेश्चन, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने पर युक्त उत्प्रेरक होता है? चलिए बताइए सभी स्टूडेंट क्या होगा इसका, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने पर युक्त उत्प्रेरक है? चलिए चलिए, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा डियर, एकदम बिल्कुल सी नंबर लगा रहे हैं सभी स्टूडेंट दोस्तों, निकल बिल्कुल 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 डियर, एकदम ये नंबर सी नंबर से हो गया, ये नहीं निकल, ठीक है ना। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने दोस्तों ए नहीं का प्रयोग होता है, एजुकेशन लेक्चर यूट्यूब चैनल। चलो, ये भी क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है, कहा जा रहा है सिद्ध काच प्राकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है? सिद्ध काच में दोस्तों प्राकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक दोस्तों कौन है? तो आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए इसका सही उत्तर क्यों देंगे। चलो, बहुत ही अच्छा डियर, एकदम बिल्कुल एंट्री हो जाएंगे, ए नंबर आप स्टूडेंट जो भी लगा रहे यार बिल्कुल वाकई में बारह बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों जी कर के यार छाल मेरे बिहार बिहार के लाल, बिल्कुल बिल्कुल ए नंबर सही है यार, एंट्री जो है जो सिद्ध काच के प्राकरण प्रयुक्त उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक की क्रियाशीलता निर्भर करते हैं, बताइए किस पर निर्भर करेगा? उत्प्रेरक की क्रियाशीलता निर्भर करती है तो कानों के आकार पर निर्भर करते हैं, बिल्कुल डी नंबर सही हो जाएंगे। उत्प्रेरक की क्रियाशीलता निर्भर करती है तो कानों के आकार पर, यार डी नंबर बिल्कुल सही है। उत्प्रेरक की क्रियाशीलता निर्भर करती है तो कानों के आकार पर, इसीलिए डी नंबर बिल्कुल सही हो गया। चलिए चलिए,
60 नंबर दोस्तों 66 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अस्कंदर कारक पर आवेश किए अस्कंदर की व्याख्या की थी, कितने क्या था अस्कंदन कारक जो था दोस्तों उस पर आवेश से अस्कंदन की व्याख्या किसने किया था। चले 66 का बिल्कुल लगा रहे हैं सी नंबर हार्डी में सुल्झे, बिल्कुल सही, क्योंकि हार्डी दोस्तों जो होता है हार्डी दोस्तों वैज्ञानिक है, ठीक है ना, हार्डी तो सुलझे होते हैं, वो अस्कंदन कारक पर आवेश से अस्कंदन की व्याख्या कर दी, ठीक है ना, बिल्कुल एकदम बिल्कुल सी नंबर स्टूडेंट बिल्कुल सही लगाए हैं। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन का आधार है कि किसके द्वारा दूध को कुछ समय के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। चलिए बहुत अच्छी बात है, फॉर्मल्डिहाइड बिलियन द्वारा, फॉर्मल्डिहाइड यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है ना, किसके द्वारा दूध को कुछ समय के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है, तो फॉर्मल्डिहाइड बिलियन के द्वारा, सोडियम बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। आप लोग यार लास्ट तक बनो, बहुत खुशी की बात है यार। चलिए अधिशोषण की प्रक्रिया होती है तो यार उसमें छेपी होती है, कुछ यार पृष्ठीय घटना लगा यार होता है और ऑप्शन के अकॉर्डिंग में पढ़ना पकड़ना पड़ता है, ये प्रक्रिया पूछा होता है नहीं, प्रक्रिया होती है कैसे होती है तो उष्मा छेपी होती है, ठीक है ना, तो ए नंबर आप लोग का सही हो जाएगा डियर स्टूडेंट, उष्मा छेपी प्रक्रिया होती है अधिशोषण। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक में प्रयुक्त उत्पीड़क होता है, लगाइए इसका 69 का, बिल्कुल आयोडीन चून होता है, आयोडीन चून ग्रिगनार्ड अभिकर्मक में प्रयुक्त उत्पीड़क जो होता है आयोडीन चून होता है, इसीलिए ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल डी स्टूडेंट सही है, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक में प्रयुक्त दोस्तों उत्पीड़क जो होता है आयोडीन चून होता है, आयोडीन चून बिल्कुल ए नंबर आप लोग का बिल्कुल सही उत्तर देंगे। चलिए बहुत ही अच्छा मेरे प्यारे लाल, चलिए देखिए 70 नंबर क्वेश्चन, किस प्रकार के धातुएं प्रभावी उत्प्रेरक बनाते हैं, किस प्रकार के धातुएं प्रभावी उत्प्रेरक बनाती है। चलिए बहुत ही अच्छा मेरे प्याला सुंदरलाल, बिल्कुल बिल्कुल बिना बस देंगे, संक्रमण धातु यानी कि किस प्रकार के धातु दोस्तों प्रभावी उत्प्रेरक बनाते हैं, तो संक्रमण धातु बनाते हैं, ठीक है ना, प्रभावी उत्प्रेरक, सोडियम बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर देंगे, किस प्रकार के धातु प्रभावी उत्प्रेरक बनाती है, तो संक्रमण धातु है। चलिए बहुत अच्छी बात है डियर, सब लोग लास्ट तक बने हुए बी नंबर सही है यार, वीडियो को जितना करे आज हो सके शेयर कर सकते हो, क्योंकि आज का एकदम कह सकते हो वन शॉर्ट वीडियो है। 71 नंबर का कहा जा रहा है कि किसी आयन के स्कंदन प्रभाव निर्भर करता है, किसी आयन के स्कंदन दोस्तों प्रभाव निर्भर करता है संयोजकता तथा आवेश के चिन्ह पर निर्भर करता है, संयोजकता तथा आवेश के चिन्ह पर निर्भर करता है, इसीलिए बी नंबर आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएंगे, किसी आयन की स्कंदन प्रभाव दोस्तों निर्भर करता है किस पर, तो संयोजकता तथा आवेश के चिन्ह पर, सोडियम बी नंबर सही है। जाल में दोस्तों साबुन का कोलाइडी कण क्या कहलाते हैं, जाल में दोस्तों साबुन के कोलाइडी कण क्या कहलाते हैं, बताओ इसका, जाल में साबुन का कोलाइडी कण दोस्तों ऋण आवेशित होता है, क्या होते हैं, जाल में जो होता है ना दोस्तों साबुन का जो कोलाइडी कण होते हैं वो ऋण आवेशित होते हैं, क्या होता है, ऋण आवेशित, तो ए नंबर स्टूडेंट बिल्कुल सही लगाए हैं, जाल में साबुन का दोस्तों जो कोलाइडी कण होता है ऋण आवेशित होता है। चलिए जिलेटिन के अस्कंदन प्रभाव अस्कंदन है तो सबसे अधिक प्रभावी क्या है, जिलेटिन के अस्कंदन है तो सबसे अधिक प्रभावी होता है कौन होता है, अल्कोहल, चलिए अल्कोहल भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, अल्कोहल अल्कोहल तो नहीं एक ही होता है, अल्कोहल हो जाएंगे दोस्तों यानी कि अल्कोहल, ठीक है ना, जिलेटिन के अस्कंदन हेतु सबसे अधिक प्रभावी है, देखिए आपकी बात 95% पार, आप लोग समझिए यार बिल्कुल 95% पार कर सकते हो यार, 95% हम लोग लड़वा देंगे बिल्कुल, मेरा यकीन है वादा है, ठीक है ना, लेकिन आप लोग को कन्वर्ट कर देना ऐसा यार कि बिल्कुल टॉपर लिस्ट में आ जाओ, ठीक है ना, टॉप 5 में आ जाओ यार, कि बिल्कुल मेरे चैनल का साथ साथ अपने माता पिता अपने घर परिवार दोस्त अपने ज़िले का नाम यार रोशन कर दो अपने गाँव का, ठीक है ना, तो आप लोग यार यकीन करोगे तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, PDF के लिए दोस्तों 9142-5134 पर आप लोग को मैसेज कर देना है, तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए और थोड़ा संपर्क भी कर लीजिए। चलिए देखो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना यार, आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है। चलिए निम्नलिखित में से कौन धनावेशित सोल का उदाहरण है, निम्नलिखित में से धनावेशित सोल का उदाहरण कौन है, बताइए सभी स्टूडेंट, निम्नलिखित में से धनावेशित सोल का उदाहरण कौन है। चलिए बहुत ही अच्छा मेरे प्यारे लाल सुंदर लाल, बहुत अच्छा बी नंबर सही है,
क्योंकि दोस्तों निम्नलिखित में से कौन है, तो धनावेशित सोल का उदाहरण तो जिलेटिन हो जाएंगे। जिलेटिन जो होता है दोस्तों क्या होता है, धनावेशित सोल होता है, धनावेशित सोल होता है, इसलिए बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल आप लोग का सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए बिल्कुल डी एस्टो कोलाइडे गोल उदाहरण यार समाज की। चलो बताओ इसका कोलाइडे बिलियन दोस्तों किस मांगे, बताइए कोलाइडे गोल का उदाहरण है, बताइए। चार ऑप्शन आपके पास दे दिए गए यार, तो आप लोग लगा दो। चलिए बिल्कुल बिल्कुल लगाइए आप लोग। चलिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, कोलाइडे गोल का उदाहरण है तो समांगी बिस्मांगी। चलिए बिल्कुल बी नंबर लगाए डियर, बिस्मांगी होगा। चलिए बी नंबर बिल्कुल सही है, कोलाइडे गोल दोस्तों बिस्मांगी गोल का उदाहरण है। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है स्टूडेंट, किसी आयन की कोलाइड को स्कंदित करने की क्षमता निर्भर करती है। बिल्कुल बिल्कुल सभी लोग कमेंट करो, बिल्कुल सी नंबर सही है एकदम बिल्कुल दोस्तों। मात्रा एवं आवेश पर निर्भर करता है, किसी आयन की कोलाइड को स्कंदित करने की, स्कंदित जो होता है दोस्तों करने की क्षमता का निर्भर करती है। यानी कि किसी कहा जा सकता है समान अर्थ में कि किसी आयन की कोलाइड को स्कंदित करेंगे उसकी जो क्षमता निर्भर करती है मात्रा दोस्तों, मात्रा एवं आवेश पर निर्भर करेगी। तो सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। देखो ये भी क्वेश्चन पॉपुलर क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि एक्स बटा एम तथा पी के मध्य संवाद स्थापित किया था, किसने किया था, किसने डियर बताओ तो। चलिए एक्स बटा एम तथा पी के मध्य संवाद स्थापित करने वाले वैज्ञानिक फ्रॉइडलिक थे, क्या थे, फ्रॉइडलिक, फ्रॉइडलिक बिल्कुल सी नंबर सही देंगे फ्रॉइडलिक। चलिए सभी स्टूडेंट लगा रहे हैं सी नंबर, अच्छा बहुत अच्छी बात है डियर, बिल्कुल आप लोग ऐसे लास्ट तक बन रहे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर कहा जा रहा है यार कि एक बहुस्तरीय अतिशोषण होता है, यार इसमें समझ सकते हो यार थोड़ा आगे पीछे मैंने कह सकते हो ऐसे तो अगर देखो आप लोग ध्यान देना, भौतिक अतिशोषण, देखो यहाँ पर बहुस्तरीय अतिशोषण पूछ दिया तो सभी स्टूडेंट जानते हो बहुस्तरीय तो यार भौतिक अतिशोषण में होता है, सभी स्टूडेंट लगा देंगे यार इसमें तो सभी स्टूडेंट कह रहे हैं एकदम बिल्कुल आधा से ज़्यादा स्टूडेंट भौतिक अतिशोषण लगा देंगे, लेकिन सत्ता अधिशोषण देगा तो जाहिर सी बात है सी नंबर लगा दो। लेकिन यार अगर भौतिक अधिशोषण दे दिया है तो आप लोग लगा दो यार भौतिक अधिशोषण, लेकिन आप लोग समान अर्थों में शब्द यार अगर सत्ता अधिशोषण दे दिया तो सी नंबर ही लगा दो, क्योंकि बहुस्तरीय जो होता है सत्ता पर भी होता है, ऐसे तो भौतिक अधिशोषण पर होगा लेकिन सत्ता अधिशोषण नहीं होगा तब, इसीलिए आप लोग इसे ध्यान रखना। चलिए देखिए 79 नंबर क्वेश्चन यार एकदम बिल्कुल हम लोग थक चुके हैं यार, आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, वीडियो को जरूर लाइक करना यार आपके लिए इतना बिल्कुल समझ लगातार एक घंटे से बच्चे बने हुए हैं। तो बताओ ए एस टू ओ थ्री उदाहरण है, किसका उदाहरण है, धनात्मक उत्प्रेरक, बेस उत्प्रेरक, स्वतः उत्प्रेरक, बाधक उत्प्रेरक। बिल्कुल बेस उत्प्रेरक का उदाहरण है, बी नंबर बिल्कुल सही है, ए एस टू ओ थ्री उदाहरण है बेस उत्प्रेरक का, तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। ए एस टू ओ थ्री उदाहरण है तो बेस उत्प्रेरक का, तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। चले दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन कहा जाएगा, चिमनी से निकालने वाला धुआं किसका उदाहरण है, चिमनी से जो निकालने वाला धुआं होता है दोस्तों वो किसका उदाहरण है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल गैस का ठोस में, बिल्कुल 80 का डी नंबर से डी, चिमनी से निकालने वाला धुआं उदाहरण होता है गैस का ठोस में होता है, इसलिए डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, चिमनी से निकालने वाला दोस्तों धुआं का उदाहरण है गैस का ठोस में। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन कहा था डियर कि जब प्रकाश पुंज कोलाइडे विलयन से गुजरता है तो, जब प्रकाश पुंज कोलाइडे विलयन से गुजरता है तो क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, प्रकाश वह नहीं गुजरता है, प्रकाश परावर्तित हो जाता है कि पूर्णता अवशोषित हो जाता है। चलिए बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल डियर एकदम बिल्कुल यह नंबर ही होगा, जब प्रकाश दोस्तों पुंज होता है कोलाइडे विलयन से गुजरता है तो प्रकाश प्रकीर्णन होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है दोस्तों, जब प्रकाश पुंज कोलाइडे विलयन से गुजरता है तो प्रकाश का दोस्तों प्रकीर्णन हो जाता है, यानी कि ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए डियर स्टूडेंट कि अधिशोषण सिद्धांत निम्न में से किस प्रकार के उत्प्रेरण की व्याख्या करता है,
अधिशोषण सिद्धांत दोस्तों किस प्रकार के उत्पेजन की व्याख्या करता है? बिल्कुल बिल्कुल 82 का 80 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, विषमांगी उत्पेजन। अधिशोषण सिद्धांत में दोस्तों उत्पेजन दोस्तों की व्याख्या करता है विषमांगी उत्पेजन का। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल आप लोग का सही उत्तर है। चलिए 83 नंबर में देखेंगे तो कहा एक्स बटा एम तथा पी के कैसा मध्य वक्र क्या कहलाता है? चलिए 83 का ये नंबर बिल्कुल सही है, अधिशोषण समतापी वक्र कहलाता है। एक्स बटा एम तथा पी के मध्य वक्र जो कहलाता है वो दोस्तों अधिशोषण समतापी वक्र कहलाता है, इसीलिए ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल आप लोग का सही उत्तर हो जाएंगे। कोलाइडो को आवेश विहीन करके अपक्षेपित करना कहलाता है। कोलाइडो को दोस्तों आवेश विहीन करके अपक्षेपित करना क्या कहलाता है? स्कंदन कहलाता है। कोलाइडो को आवेश विहीन करके आवेशित करने की दोस्तों अपक्षेपित करने की क्षमता जो कहलाएगा क्या कहलाएगा? बिल्कुल 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 यार स्कंदन कहलाएगा, बी नंबर बिल्कुल सही है। देखो एजुकेशन लेके यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब माई चैनल। जो स्टूडेंट जो लास्ट जुड़े हैं वो दोस्तों पीछे से वीडियो देखेंगे, ठीक है ना? और जो स्टूडेंट को पहले से आंसर पता हो कमेंट कीजिएगा। चलिए किसी गैस के ठोस पर की ठोस सतह पर की अधिशोषण की मात्रा निर्भर करेगी। किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा किस पर निर्भर करती है? चलिए बहुत ही अच्छा मेरे प्यारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। एक डबल को दोस्तों गैस के ताप पर गैस के देखो दाम हो गए हैं, ठीक है ना? दाम नहीं, गैस की प्रकृति पर भी और इनमें से सभी हो जाएंगे। गैस के दोस्तों गैस किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की जो मात्रा निर्भर करेगी स्टूडेंट बिल्कुल डी नंबर ही ऑप्शन होगा, इनमें से सभी। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट। तो कहा जा रहा है ना कि अधिशोषण जिसमें अधिशोषक एवं अधिशोष मुक्त संयोजकता द्वारा संलग्न होते हैं तो वो क्या कहलाता है? तो जाहिर सी बात है डियर मेरे प्यारे लाल बिल्कुल बी नंबर लगा दीजिए, रासायनिक अधिशोषण, क्योंकि अधिशोषण होता है अधिशोषक मुक्त संयोजकता द्वारा दोस्तों जो संलग्न होता है मुक्त संयोजकता जो संलग्न होता है वो रासायनिक अधिशोषण नहीं होता, तो बिल्कुल बी नंबर सही है। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस में टिंडल प्रभाव संभव नहीं है? या सरकला भी नहीं कि दोस्तों चीनी में नहीं पाया जाता या बिल्कुल सी नंबर नहीं है। 87 का डियर सी नंबर बिल्कुल सही है, निम्नलिखित में से किस में टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है? तो सरकला विलियन जो जाएंगे बिल्कुल सही उत्तर देंगे, क्या देंगे? सरकला विलियन जो जाएंगे डियर बिल्कुल आप लोग का सही उत्तर देंगे, ठीक है? निम्नलिखित में किस में टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है? तो सरकला विलियन नहीं पाया जाता है। चलिए चलिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ दोस्तों जल का शुद्धिकरण करने में प्रयुक्त है? कौन सा पदार्थ दोस्तों जल को शुद्धिकरण करने में प्रयुक्त होता है? प्रयोग होता है बताइए। बिल्कुल बिल्कुल ए नंबर वाले स्टूडेंट बिल्कुल यार गर्दा छोड़ रहे हैं। चलिए ए नंबर बिल्कुल सही है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल के शुद्धिकरण में प्रयुक्त होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर ए नंबर स्टूडेंट बिल्कुल सही है। चलिए कौन सा पदार्थ जल के शुद्धिकरण में प्रयुक्त होता है? तो याद रखना ब्लीचिंग पाउडर, ए नंबर बिल्कुल सही है। यूरिया को दोस्तों अमोनिया कार्बोनेट में बदलने वाला एंजाइम क्या कहलाता है? यूरिया को अमोनियम कार्बोनेट में बदलने वाला एंजाइम क्या कहलाता है? बताइए इसका आप लोग सब। बिल्कुल यूरियस कहलाएगा, यूरियस कहलाएगा, यूरियस। यूरिया को दोस्तों अमोनिया कार्बोनेट में बदलने वाला दोस्तों जो एंजाइम कहलाएगा वो बिल्कुल यूरियस कहलाएगा। सोडियम डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो गया, डी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है यार, आप लोग ऐसे ठोकते रहो। चलिए आइसक्रीम बनाते समय जिलेटिन दोस्तों मिलाते हैं, क्योंकि जिलेटिन बनाने मिलाने से क्या होता है? क्या आइसक्रीम दोस्तों जल सोखता है? क्या आइसक्रीम को जमाता है कि दूध को फाड़ता है कि इनमें से कोई नहीं होगा? देखो यार इसमें क्या लिखा गया, इनमें से सर जी नहीं नहीं ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा। चलो बताओ इसका राइट आंसर। चलो बहुत अच्छा बहुत अच्छा यार, जाहिर सी बात है कि इस आइसक्रीम को दोस्तों यह जमाता है, ठीक है ना? आइसक्रीम बनाते समय जिलेटिन का उपयोग किया। देखो पूछेगा आइसक्रीम बनाते समय किसका प्रयोग किया था? जिलेटिन का, ये भी याद रखना। किस लिए किया जाता था? जमाने के लिए यार, बी नंबर बिल्कुल सही है। देखो टिंडल प्रभाव दोस्तों प्रदर्शित होता है, तो वास्तविक घोल के द्वारा प्रदर्शित होता है। सब लोग कमेंट करो
टेंडर प्रभाव दोस्तों प्रदर्शित होता है किसके द्वारा? टेंडर प्रभाव दोस्तों प्रदर्शित होता है किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? बिल्कुल एक घंटे हो गए ढेर, देखिए कितना मेहनत आपको लेके किया कर रहे हैं। टेंडर प्रभाव दोस्तों प्रदर्शित होता है वास्तविक घोल के द्वारा, तो ए नंबर स्टूडेंट बिल्कुल सही है। टेंडर प्रभाव प्रदर्शित होता है तो किसके द्वारा? वास्तविक घोल के द्वारा, तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। चलो यहाँ पर 92 नंबर क्वेश्चन का लगाओ तो सब लोग आंसर, कोलाइडों का शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है? कोलाइडों का शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है? बिल्कुल 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 विश्लेषण द्वारा, बिल्कुल डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। कोलाइडों का शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है? विश्लेषण के द्वारा। चलो बहुत अच्छा, मैं प्याला ए नंबर बिल्कुल सही लगे। चलो चैनल को यार सब्सक्राइब जो भी नहीं किया तो कर लीजिए यार, आपके लिए इतना मेहनत किया तो घंटी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। देखिए आप लोग को मुझे पता है वीडियो को बिल्कुल सभी स्टूडेंट शेयर करेंगे, क्या कि मैं यहाँ तक एक घंटे तैयार मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोगों का एक दोस्तों आंगुली दबाने में मात्र एक सेकंड का भी समय नहीं लगता। चलिए कोलाइडी सोल में दोस्तों डॉट 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 गुण पाया जाता है। चलिए कोलाइडी सोल में डॉट डॉट गुण पाया जाता है, कौन कौन गुण पाया जाता है? रासायनिक, भौतिक, विद्युतीय, तो विद्युतीय पाया जाएगा यार। चलिए बिल्कुल कोलाइडी सोल में दोस्तों विद्युतीय गुण पाया जाता है, ना कि रासायनिक ना कि भौतिक, ठीक है ना? बिल्कुल सी नंबर आप लोग का आंसर हो जाएगा, भौतिक दोस्तों गुण पाया जाता है। कोलाइडी सोल में भौतिक गुण पाया जाता है, इसीलिए सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए कहा जाए दोस्तों 94 नंबर क्वेश्चन, किसी आयल की अस्कंदर प्रभाव उसकी किस पर निर्भर करता है? किसी आयल की दोस्तों से आयन होगा, ठीक है ना? आयन की अस्कंदर प्रभाव दोस्तों किस पर निर्भर करती है? बिल्कुल संयोजकता पर निर्भर करेगी। किसी आयन की अस्कंदन प्रभाव दोस्तों उसकी संयोजकता पर निर्भर करती है। किसी आयन की बोला, किसी भी आयन हो उसकी संयोजकता प्रभाव, चलिए संयोजकता पर निर्भर करेगी। मान विधि द्वारा दोस्तों शुद्ध किया जाता है। चलिए कमेंट कीजिए, बताइए आप लोग मान विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है, मान विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है, बताइए आप लोग मान विधि द्वारा किसको शुद्ध किया जाता है? बिल्कुल ये ना हो जाएंगे ढेर, बिल्कुल आप लोग सही लगा रहे हैं, सी नंबर वाले स्टूडेंट बिल्कुल तहलका मचाई हुई है यार। चलिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कहाँ गया। चलिए बिल्कुल 95 का आप लोग लगा रहे थे, बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन जो कि बिल्कुल सही डी है। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तेलों के हाइड्रोजनीकरण में दोस्तों जाहिर सी बात हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? चलिए बिल्कुल बिल्कुल ये ना इसमें दोस्तों इसी का उपयोग करते हैं, ठीक है ना? चलो बिल्कुल बिना बस आइए, देखो एजुकेशन लेक्चर आप लोग यूट्यूब चैनल देख रहे हैं यार, आप लोग देखिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब किए हो तो बहुत अच्छी बात, आप लोग दोस्तों के बताओ यार इस चैनल पर इतना मेहनत के, सोचो एक घंटा ज़्यादा हो गया यार आपके लिए इतना बेहतर तरीके से, मैं आप लोग बिल्कुल आवाज़ अभी भी बुलंद ना कि दोस्तों जोश के है तो जोश आ जाएगा यार, शेयर करोगे तो बिल्कुल जोश नहीं आ जाएगा। चलिए देखो 97 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि प्लेटिनम उत्प्रेरक के दोस्तों उत्प्रेरक के लिए विष का कार्य करता है, बताइए प्लेटिनम दोस्तों उत्प्रेरक के लिए विष का कार्य करता है, बताइए किसके लिए? चलिए बिल्कुल बिल्कुल आर्सेनिक का दोस्तों ऑक्साइड के लिए, प्लेटिनम दोस्तों उत्प्रेरक के लिए विष का कार्य करता है, किसके लिए? आर्सेनिक के ऑक्साइड के लिए, इसलिए स्टूडेंट सी नंबर लगाए तो बिल्कुल आप लोग आज से उत्तर देंगे। चलिए चैनल पर पहले बार स्टूडेंट सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अधिशोषण सभी दिशाओं में उपयोगी है सिवाय किस में, बताओ यार आप लोग यार कमेंट करो और बताओ इसका राइट आंसर यार क्या हो जाएंगे यार, कमेंट करो यार मेरे प्यारे लाल सभी लोग कमेंट करो यार। 98 का बिल्कुल बिल्कुल 98 का भी नंबर हो जाएगा समांगी विपणन में, अधिशोषण दोस्तों सभी दिशाओं में उपयोगी है सिवाय समांगी विपणन, ठीक है ना? 98 का बिल्कुल भी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए कोलाइडिस सोल है दोस्तों, देखिए कोलाइडिस सोल है दोस्तों किसका? कोलाइडिस सोल है, बताइए 99 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कोलाइडिस सोल है बिस्मांग सोल है, ठीक है ना? कोलाइडिस सोल कैसा है यार? बिस्मांग है, ठीक है ना? बिस्मांगी सोल है, कोलाइडिस सोल है वो बिस्मांगी सोल है, इसीलिए सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही देंगे। कोलाइडिस सोल क्या है? बिस्मांगी है, इसीलिए सी नंबर बिल्कुल सही देंगे। चलिए दोस्तों 100 क्वेश्चन लगभग और बचे हुए, यानी कि दोस्तों 10 क्वेश्चन और बचे हुए। चलिए
देखिए प्रवाल देवी सन। चलिए 100 नंबर का कमेंट कीजिए। चलो बिल्कुल बहुत अच्छा BCL3 मतलब बहुत अच्छा BC। चलिए BI3 हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। प्रवाल देवी सन का कार्य करेगा। चलिए देखिए 101 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि उत्प्रेरक की व्याख्या करने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक कौन थे। यार बिल्कुल से एकदम साइड से क्वेश्चन है, एकदम बिल्कुल डी नंबर लगा दो, बर्जीलियस। उत्प्रेरक की व्याख्या करने वाले वैज्ञानिक थे ना दोस्तों, वो बर्जीलियस थे। कौन थे? बर्जीलियस। कौन थे यार? वैज्ञानिक थे, ठीक है ना। कौन थे? वैज्ञानिक थे। ऑप्शन नंबर डी हो देंगे। उत्प्रेरक की व्याख्या किए थे कौन? तो बर्जीलियस ने किए थे। बर्जीलियस ऑप्शन नंबर डी हो देंगे। चलिए 101 नंबर क्वेश्चन, 102 नंबर क्वेश्चन देखोगे तो कहा जा रहा है कि कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त है? सोना भी पाया जाता है, इसलिए प्लेटिनम दिया गया, तो डी नंबर लगा दो। कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए तो प्लेटिनम भी पाई जाती है। मुक्त अवस्था यानी कि दोस्तों कह सकते हो यार डी नंबर से प्लेटिनम। कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाए? प्लेटिनम। चलिए सभी स्टूडेंट लगा रहे हैं डी नंबर। चलिए यहाँ पर देखेंगे तो यार कहा जा रहा है ना कि निम्न में से कौन प्यूरिन व्युत्पन्न है? ग्वानिन हो जाए, ग्वानिन। तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही, निम्न में से कौन प्यूरिन व्युत्पन्न है, ठीक है ना। चलिए देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए पहले ध्यान रखना, प्यूरिन व्युत्पन्न कई बार बोर्ड एग्जाम पूछा, ग्वानिन हो जाएंगे, ठीक है ना। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यार। चलिए यूरेज दोस्तों किसका उदाहरण बताइए? यूरिया जो दोस्तों किसका उदाहरण है? चलिए एंजाइम का होगा यार। चलिए चलिए यहाँ पर देखिए दोस्तों 105 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कौन सा पदार्थ दोस्तों जल के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है। तो दोस्तों पृष्ठ सक्रिय कारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पृष्ठ सक्रिय कारक कहलाएगा, यानी कि दोस्तों जो पदार्थ के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है ना, वो दोस्तों पृष्ठ सक्रिय कारक कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर देखिए 106 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, तो कहा जा रहा है कि फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड क्या है? एक अच्छा क्या? एक अवशोषक है। क्या? फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड एक प्रकार का अवशोषक है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन स्टूडेंट लगा रहे हैं तो बिल्कुल आप लोग का सही उत्तर हो जाएंगे। फॉस्फोरस दोस्तों पेंटाऑक्साइड एक प्रकार का अवशोषक का कार्य करता है, तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। चलो यार यहाँ पर देखेंगे अपन दोस्तों 107 नंबर क्वेश्चन, तो कहा जा रहा है ना कि जब गैस ठोस पदार्थ के भीतर तक समा जाता है तो इस क्रिया को हम लोग अधिशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिशोषण अवशोषण पायस बताइए। चलो बहुत ही अच्छा। जब गैस को दोस्तों जब गैस ठोस पदार्थ के भीतर तक समा जाता है तो दोस्तों उससे हम लोग कहते हैं अधिशोषण। चलिए बहुत अच्छी बात है। सिलिका जल को अवशोषित कर लेता है, सिलिका जल वाष्प को अवशोषित जल को अवशोषित कर लेता है। सिलिका जल जल वाष्प को अवशोषित कर लेता है। सिलिका जल यहाँ पर भराएगा। सिलिका जल दोस्तों जल वाष्प को अवशोषित कर लेता है। कौन? सिलिका जल किसको? जल वाष्प को अवशोषित कर लेता है। बिना बसाइए। देखो डियर इतना मेहनत किया आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो आंसर के यहाँ पर दिया हुआ है यार, आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है यार मेरे प्यारे लाल। देखो कितना पूरा का आंसर दिया हुआ है यार, कैसे बताऊँ यार, इतना मेहनत आपके लिए करता हूँ। 90% लाने के लिए इस नंबर पर आप लोग को कॉन्टेक्ट करना चाहिए। 91 42 51 91 34 आप लोग को मैसेज यार करना चाहिए, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे, मुझे पता है। अब यही मुझे दोस्तों संकोच लगता है कि आप लोग वीडियो को यार शेयर करो कि नहीं, क्योंकि मेरा दोस्तों गला समझ बैठ गया दोस्तों वीडियो बनाते बनाते, ठीक है ना। तो चैनल को यार जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को यार शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। देखो कितना देर मैंने आप लोगों को बताया, दिखला देता हूँ। देखो 68 यानी कि दोस्तों सत समझिए 1 घंटा 10 मिनट समझिए, ठीक है ना। 1 घंटा 10 मिनट मैंने आपको लिए दोस्तों इतना किया, ठीक है ना। तो यार वीडियो को लाइक ना करिएगा तो बेहतर नहीं होगा, ठीक है ना। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।